अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टा उम्मे नूर। आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज की जो ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो लेट्स सी, देखते जाएं। यहाँ पे दो डॉट्स मैंने डाले हैं और यहाँ पे इनकी स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो ये प्रैक्टिस जो है, जो भी प्रैक्टिस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डेली बेस पे आपने करनी है ताकि आपकी लाइंस जो हैं कॉन्फिडेंटली आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के काबिल हो सकें। तो इन लाइंस को जब हम ड्रॉ करते हैं या ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, तो इन लाइंस का जो यूज़ है वो बहुत सारे शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यही लाइंस कनेक्ट हो के दूसरे के साथ मुख्तलिफ शेप्स बनाती हैं स्केचिंग में, ड्राइंग में आप देखते होंगे। तो बेसिक लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, हर शेप में इसका यूज़ होता है। स्टार्टिंग में आप जो है वो शॉर्ट लाइंस लगाएं, टू डॉट्स लगा के, और ये आप बिल्कुल भी ध्यान ना रखें कि आपकी लाइन स्ट्रेट है या नहीं है, बस आपने कॉन्फिडेंटली इसको ड्रॉ करना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और इसी तरह अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो जी आप देखेंगे ये लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो स्केचिंग में, और जो ड्राइंग आप करेंगे पेंसिल स्केच करेंगे या इवन के पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसमें आपकी नीटनेस आएगी और आपके लिए इजी रहेगा। कोई भी आप शेप ड्रॉ करेंगे तो इस प्रैक्टिस से आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा। तो आप देखें, जैसे पहले मैंने है वो कुछ स्ट्रेट लाइंस की हैं, कुछ डाउनवर्ड्स, कुछ अपवर्ड्स, और कुछ जो है स्लाइड वे में लाइंस जो है वो ड्रॉ की हैं। तो ये प्रैक्टिस आपकी डेली बेस पे होनी चाहिए, और इस प्रैक्टिस के करने के बाद जब सेकंड जो है वो स्टेप है वो है आपकी ज़िगज़ैग है, और इसमें डिफरेंट शेप्स भी आप कर सकते हैं। तो यही जो स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइन से ही शेप्स जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं, लेकिन ज़िगज़ैग में आप हम आ रहे हैं जी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये भी ड्रॉ करेंगे। और इसी किस्म की जो लाइंस ड्रॉ करनी होती है डिफरेंट, वो डेली बेस पे अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। स्केचिंग और ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए आप कोई से भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई से भी नॉर्मल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपका जो भी आप स्केचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जो भी शेप्स वगैरह बनाते हैं, तो आप सिंपल पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ, और जो भी पेपर है आपके पास, सिंपल पेपर विदाउट लाइनिंग, और इवन के लाइनिंग का पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, बार बार और डेली बेस पे एक्सरसाइज होगी, उतना ही आपकी स्केचिंग में परफेक्शन आएगी। सर्कल भी ड्रॉ करने के डिफरेंट वेज, कुछ प्लस लगा के कुछ लोग करते हैं, कुछ इवन के सिंपल सर्कल में कुछ डॉट्स लगा के सर्कल बनाते हैं। तो ये सर्कल भी आपका डेली बेस पे जब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंटली आप कोई भी सर्कल में शेप ग्राफ बनाना चाहे तो आपके लिए ईजी होगा ड्राइंग, स्केचिंग और आपकी पेंटिंग्स वगैरह में। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपने राइट टू लेफ्ट और एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपने ये प्रैक्टिस करनी है, और ये भी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आप करेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लाइन जो है, एक लाइन आप जब ड्रॉ कर लें तो उसी के ऊपर आप जो है वो मज़ीद सर्कल्स आप बनाएं, इसको ड्रॉ करें।
आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हम कर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी हम अप टू डाउन, डाउन टू अप और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे। और इसकी भी प्रैक्टिस आपने डेली बेस पे करनी है, इवन कि कुछ इस तरह की लाइन्स जो है ताकि आपकी हैंड की मूवमेंट जो है वो ठीक हो। और आपने इसमें जस्ट अपनी हैंड का या रिस्ट का की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरा आपका फुल हैंड और आपका शोल्डर मूव करता हुआ हो, ताकि आप जब भी कोई ड्राइंग या स्केचिंग करें तो आपका आप कंफर्ट फील होकर करें और बेस्ट वे में करें। तो जस्ट अपने हाथ की अपने हैंड की मूवमेंट नहीं देनी हो, ना ही उसकी मूवमेंट पूरे पूरे आर्म की और शोल्डर की मूवमेंट भी इसमें इन्क्लूड होंगे। ये जो लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये वेव्स बनाने के लिए वाटर, जब हम वाटर की स्केचिंग करते हैं उसमें ये बहुत काम आते हैं। इवन के आप कभी हेयर के लिए, आप अगली हेयर्स के लिए आप ये लाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर ले, तो इसी तरह डेली बेस पे जब आप प्रैक्टिस रखते रखेंगे तो मैं खुद को इसके साथ कह सकती हूँ कि आपकी ड्राइंग और स्केचिंग में जो है वो काफ़ी नीटनेस आएगी, काफ़ी परफेक्शन आएगी। मगर ये कि आपने डेली बेस पे आपको 5 to 10 minutes देने होंगे अपनी स्केचिंग और ड्राइंग के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले। तो जनाब पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो को ना सिर्फ देखने के बाद लाइक और शेयर भी किया करें, और कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं अप्रिसिएशन के लिए। तो आप मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।